देखा जाए तो कुंभ मेले का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत में यह मेला बहुत अनूठा है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसका अपना ही धार्मिक महत्व है और यह संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यह मेला लगभग 48 दिनों तक चलता है। मुख्य रूप से दुनिया भर के साधु, संत, तपस्वी, तीर्थयात्री इत्यादि भक्त इसमें भाग लेते हैं। परंतु क्या आप कुंभ का अर्थ जानते हैं? इसे क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे का इतिहास क्या है? किसने कुंभ मेले की शुरुआत की इत्यादि आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स पर देना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो आइए जानते हैं पूरे मामले के बारे में। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ मेला 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का आयोजन 4 तीर्थ स्थलों में होता है। यह स्नान उत्तराखंड में गंगा नदी पर हरिद्वार, मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर उज्जैन, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर नासिक और उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर प्रयागराज। आपको बता दें कि इस वर्ष कुंभ मेला 15 जनवरी 2019 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है और 4 मार्च 2019 तक चलेगा। इससे पहले 2003-04 में नासिक त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला आयोजित किया गया था। आइए आपको कुंभ मेले का इतिहास बताते हैं। कुंभ मेला दो शब्दों कुंभ और मेला से बना है। कुंभ नाम अमृत के अमर पात्र या कलश से लिया गया है, जिसे देवता और राक्षसों ने प्राचीन वैदिक शास्त्रों में वर्णित पुराणों के रूप में वर्णित किया था। मेला, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सभा या मिलना। इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसकी किसी ग्रंथ में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। परंतु इसके बारे में जो प्राचीनतम वर्णन मिलता है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री हेनसन द्वारा किया गया है। पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से ही हो गई थी। आइए समुद्र मंथन से जुड़ी हुई इस कहानी के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण जब इंद्र और देवता कमजोर पड़ गए, तब राक्षस ने देवताओं पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था। ऐसे में सब देवता मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान ने देवताओं को दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र यानी क्षीर सागर में मंथन करके अमृत निकालने को कहा। ये दूध सागर ब्रह्मांड के आकाशीय क्षेत्र से स्थित है। सारे देवता भगवान विष्णु जी के कहने पर दैत्यों से संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश लेकर उड़ गया। इस पर गुरु शंकराचार्य के कहने पर दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और काफी परिश्रम करने के बाद दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया और अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव और राक्षसों में 12 दिन तक भयानक युद्ध चला रहा। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थी, जिनमें से पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। इसलिए इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यही आपको बता दें कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होता है, इसलिए हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब जानते हैं कि कुंभ के आयोजन की तिथि कैसे निर्धारित की जाती है। किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा यह राशियों पर निर्भर करता है। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है। जब सूर्य एवं बृहस्पति एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, तभी कुंभ मेले को मनाया जाता है और इसी आधार पर स्थान
ओत तिथि निर्धारित की जाती है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार में किया जाता है। जब सूर्य और बृहस्पति का सिंह राशि में प्रवेश होता है, तब यह महाकुंभ मेला नासिक में मनाया जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य देव राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। यही बता दें कि जब सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, इसी कारण उज्जैन मध्य प्रदेश में जो कुंभ मनाया जाता है उसे सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। अब आपको बताते हैं कुंभ में कौन से ग्रह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सारे नौ ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचा तानी में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छिपाया था, सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए ही तो जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में एक साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए हर 12 साल बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगता है। प्रयाग का कुंभ के लिए आसिक महत्व है। 114 वर्ष बाद यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। आइए अब आपको कुंभ मेले के प्रकारों के बारे में बताते हैं। महाकुंभ मेला, यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह प्रत्येक 144 वर्षों में या 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। पूर्ण कुंभ मेला, यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। यह हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। अर्ध कुंभ मेला, इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थान पर होता है, यानी हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ मेला 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। आइए अब आपको कुंभ मेले के बारे में एक रोचक तथ्य भी बताते हैं। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन है, जिसमें धार्मिक तीर्थ यात्रियों की दुनिया की सबसे बड़ी मंडली के रूप में भी जाना जाता है। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण भागवत पुराण में उल्लिखित है। कुंभ मेले का एक अन्य लिखित प्रमाण चीनी यात्री हेन तैसांग के कार्यों में उल्लिखित है, जो हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान 629 से 645 ईस्वी में भारत आया था। साथ ही समुद्र मंथन के बारे में भागवत पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण में भी उल्लेख किया गया है। 4 शहरों में से प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन, प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सबसे पुराना है। स्नान के साथ कुंभ मेले में अन्य गतिविधियां भी होती हैं, प्रवचन, कीर्तन और महाप्रसाद। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुंभ मेला कमाई का भी एक प्रमुख स्थायी स्रोत है, जो कई लोग को रोजगार देता है। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ में शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं, वो अनंत काल तक धन्य हो जाते हैं। यही नहीं, वे पाप मुक्त भी हो जाते हैं और उन्हें मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाते हैं।
दुनिया के सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में शामिल किया गया है। कुंभ मेला उन तिथियों पर लगता है जब अमृत पवित्र कलश से इन नदियों में गिरा था। हर साल तिथियों की गणना बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की राशि के पदों के संयोग के अनुसार की जाती है। तो अब आप जान गए होंगे कि कुंभ मेले का आयोजन कब, कहां और कैसे किया जाता है। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको जानकारी दी होगी, और इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को भी लाइक करें, अपनी राय भी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।